सेंटर के ट्विन टावर्स पर हमला किया गया और इस घटना के ठीक 2 साल बाद यानी सन 2003 में हमें एक डार्क साइट दिखाई जाती है। अमेरिका की डार्क साइट ऐसी साइट है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि ये कहां पर है। यहां पर अमार नाम के एक आदमी को बंदी बनाकर रखा होता है जो पाकिस्तान से है। इसे कराची से पकड़ा गया है और इसके ऊपर इल्जाम होता है कि इसने ओसामा बिन लादेन का साथ दिया। साथ ही उन आतंकवादियों के अकाउंट में $5,000 ट्रांसफर किए थे जिन आतंकवादियों ने 9/11 के हमले को अंजाम दिया था। इसके सामने CIA के 2 एजेंट्स होते हैं, एक होता है डैन और दूसरी होती है माया। माया को अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का टास्क दिया होता है। उसकी ड्यूटी है कि वो किसी भी तरह से पता करे कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ है। डैन यहाँ अमार से कई सवाल पूछता है लेकिन वो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। इसके बाद डैन उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये तेरे दोस्त की है जो बहुत जल्दी सऊदी अरेबिया में कुछ गड़बड़ करने वाला है, मुझे इसकी ईमेल आईडी चाहिए। लेकिन अमार उसे ईमेल आईडी नहीं देता, इसीलिए डैन उसे बहुत टॉर्चर करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि माया पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जहां पर यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी है वहां जाती है। दरअसल ये उसका नया ऑफिस है जहां वो सभी अपने नए कॉलीग से मिलती है। एक साल बीत जाता है और सन 2004 में दिखाया जाता है कि साउथ अरेबिया में कुछ आतंकवादियों ने एक होटल में घुसकर कई बेगुनाह लोगों को मार दिया। और जब ये न्यूज टीवी पर माया और डैन देखते हैं तो डैन इस घटना के लिए अपने आप को दोषी समझता है क्योंकि अमार को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो अमार से इस बात को निकलवा नहीं पाया था। माया यहाँ पर एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि अमार को नहीं पता कि ये घटना हो चुकी है, क्यों ना हम उसे कई दिनों तक ना सुलाएं ताकि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे और इसके बाद हम उसे कहें कि हमने सारे आतंकवादियों को पकड़ लिया था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुमने हमें दी थी। और ये ऐसा ही करते हैं। अमार को जब इनके सामने लाया जाता है तो ये अमार को बताते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने कई निर्दोष लोगों की जान बचा ली, जो हमला तुम्हारे साथी करने वाले थे उस हमले को हमने रोक दिया। अमार भी इनकी बातों पर विश्वास कर लेता है क्योंकि वो पिछले 72 घंटों से सोया नहीं होता, उसका दिमाग पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता। अमार यहाँ पर इन्हें अपने 2 दोस्तों के नाम भी बताता है जिनके बारे में माया और डैन पहले से जानते थे, लेकिन यहाँ पर अमार एक और नया नाम बताता है और ये नाम होता है अबू अहमद अल कुएदी। इस नाम को पहले ना माया ने सुना था और ना ही डैन ने। अमार बताता है कि अबू अहमद अल कुएदी कंप्यूटर एक्सपर्ट था, वो ओसामा बिन लादेन के लिए काम किया करता था। मैं उससे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार कराची में मिला था जहाँ पर उसने ओसामा बिन लादेन का खत हमें पढ़कर सुनाया था जिसमें लिखा था जिहाद जारी रहना चाहिए। माया को इस नए नाम पर शक होता है, इसीलिए 9/11 के जितने भी टेररिस्ट होते हैं उन सब के वो रिकॉर्डेड फुटेज देखती है और सब अबू अहमद को जानते थे। सबका एक ही कहना था कि वो ओसामा बिन लादेन का संदेश उन तक पहुंचाता था और माया को अब पूरा विश्वास है कि अगर वो अबू अहमद तक पहुंच जाए तो वो अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन तक भी पहुंच जाएंगे। पर जब माया ये बात अपने सीनियर को बताती है तो वो उसकी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और उससे कुछ पुख्ता ढूंढने के लिए कहता है। अब वक्त आता है 7 जुलाई सन 2005 का, जब लंदन में एक बस में बम धमाका होता है और ये धमाका भी अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने करवाया होता है। वहीं माया को दिखाया जाता है जो पाकिस्तान के एक डिटेंशन सेंटर में जाती है। वहां वो एक आदमी से मिलती है और अबू अहमद के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैं अबू अहमद को जानता हूँ, वो ओसामा बिन लादेन के लिए काम करता है पर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। जब उसे जरूरत होती है तो खुद हमसे कांटेक्ट करता है। वहीं CIA एक और आदमी को पकड़ती है जिसका नाम फराज होता है। माया फराज को बहुत टॉर्चर करवाती है लेकिन वो अबू अहमद के बारे में कुछ नहीं बताता। वो साफ साफ मना कर देता है कि वो अबू अहमद नाम के किसी आदमी से कभी नहीं मिला। माया डैन के पास जाती है और वो डैन से कहती है कि तुम फराज से सब कुछ उगलवा सकते हो। डैन कहता है कि मैं इस काम से थक चुका हूँ, अब मुझसे काम नहीं होगा, मैं वापस वॉशिंगटन जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन माया वॉशिंगटन नहीं जाना चाहती, वो कहती है कि अबू अहमद मुझे वॉशिंगटन में नहीं बल्कि यहीं पाकिस्तान में मिलेगा। डैन माया को चेतावनी देता है, वो कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में सब जानते हैं कि तुम कौन हो और क्या काम करती हो, इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। इसके बाद वक्त आता है सन 2008 का, जब माया इस्लामाबाद में होटल मैरियट में अपनी दोस्त जैसिका से मिलती है, जहाँ जैसिका माया को कहती है कि फराज ने अबू अहमद के बारे में कुछ नहीं बताया, हो सकता है कि ऐसा कोई आदमी हो ही ना। माया कहती है कि फराज अबू अहमद नाम के आदमी को पहचानने से भी मना कर रहा है, इससे मेरा शक और भी पक्का होता है और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार अगर हम
अबू अहमद तक पहुंच गए तो हम अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन तक भी पहुंच जाएंगे और तभी यहाँ होटल में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। पर इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है, दोनों के दोनों बच जाते हैं। कुछ वक्त बाद जेसिका माया को बताती है कि एक डॉक्टर है जो अलकायदा के लोगों का इलाज करता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है पर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता, इसीलिए हमें कहीं और मिलना होगा। अब जेसिका अफगानिस्तान में बने हुए अमेरिकन कैंप में जाती है जहां पर वो आदमी जेसिका से मिलने आने वाला है। वो आदमी इनके पास आता है, जेसिका उसको रिसीव करने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमी एक ह्यूमन बॉम्ब होता है जो अपने आप को उड़ा देता है और इस ब्लास्ट में जेसिका के साथ सात और जवान मारे जाते हैं। इस खबर से माया पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि जेसिका सिर्फ उसकी कोलीग नहीं थी बल्कि वो उसकी एक दोस्त भी थी। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो माया से कहता है कि तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है, जिस आदमी को तुम ढूंढ रही थी जिसका नाम अबू अहमद है वो मर चुका है। वो माया को एक सीडी देता है जिस सीडी में एक आदमी बोल रहा होता है कि सन 2001 में उसने खुद अपने हाथों से अफगानिस्तान में अबू अहमद को दफनाया था। ये खबर सुनकर माया पूरी तरह से हताश हो जाती है पर कुछ दिनों के बाद उसकी कोलीग उसके पास आती है और वो बताती है कि 9/11 के हमले के बाद हमें 10 नाम मिले थे और उसमें एक नाम इब्राहिम सैयद का भी था जो अफगानिस्तान में नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था और उस पासपोर्ट में नाम था अबू अहमद अल कुएदी। इसके बाद माया नोटिस बोर्ड पर लगी हुई कुछ फोटोज को देखती है जो अबू अहमद जिसका असली नाम इब्राहिम सैयद अहमद है उसकी और उसके भाइयों की होती है। ये 8 भाई हैं और इन सब की शक्लें मिलती जुलती है। ये सब जानने के बाद माया अपने पुराने साथी डैन को कॉल करती है जो कि वर्जीनिया में है और अब वो एक सीनियर पोस्ट पर है। वो उसे बताती है कि शायद हमारा सस्पेक्ट अभी भी जिंदा है, यानी कि इब्राहिम सैयद अहमद उर्फ अबू अहमद अल कुएदी। वो डैन को बताती है कि सन 2001 में वो अपने दो भाइयों के साथ अफगानिस्तान गया था जहां पर रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी मौत हो गई है, लेकिन हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो और 2001 में जिसकी मौत हुई थी वो उसका भाई हो, क्योंकि जब भी किसी ग्रुप का इतना बड़ा नेता मरता है तो उसकी चर्चा जरूर होती है। साथ ही अमार के बयान के हिसाब से वो 2001 दिसंबर में उसके साथ टोरा बोरा की पहाड़ियों पर था। डैन माया से पूछता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। माया कहती है किसी भी कीमत पर मुझे उसका नंबर चाहिए। डैन अब कुवैत जाता है जहाँ वो कुवैत के प्रिंस से मिलता है जिसे वो पहले से जानता है। वो उसे लैम्बोर्गिनी के एक शोरूम में ले जाता है और वहाँ पर सबसे शानदार लैम्बोर्गिनी उसे दिलाता है, साथ ही उसे एक पर्ची देता है जिस पर अबू अहमद का असली नाम इब्राहिम सैयद लिखा होता है। वो प्रिंस से कहता है कि मुझे इसका फोन नंबर चाहिए। ये कुवैत में पैदा हुआ था और आज भी इसकी मॉम यहीं रहती है। प्रिंस इन्हें नंबर अरेंज करवा देता है और अब ये उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसका फोन नंबर हमेशा बंद रहता है, लेकिन जब उसका फोन नंबर ऑन होता है तो इन्हें पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में टीपू रोड पर था जब उसने अपना फोन ऑन करके किसी को कॉल किया था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि 1 मई सन 2010 को न्यूयॉर्क शहर में टाइम स्क्वायर के पास एक गाड़ी में एक्सप्लोसिव मिला। अगर ये फट जाता तो पता नहीं कितनी जाने चली जाती और ये हादसा होने से टल गया। वही माया को दिखाया जाता है जो अपने चीफ के पास जाती है और कहती है कि मुझे रावलपिंडी में एक सेफ हाउस में 4 टेक्नीशियन चाहिए और ऐसे 4 टेक्नीशियन मुझे पेशावर में भी चाहिए। पर उसका सीनियर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम एक ऐसे आदमी का पीछा कर रही हो जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुका है। इस बात पर माया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं वॉशिंगटन वापस चली जाती हूँ, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैं वापस क्यों आई। अब उसके सीनियर को उसकी बात माननी पड़ती है और उसके CIA के साथी पेशावर में और रावलपिंडी में चारों तरफ उन जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं जहां पर इब्राहिम सैयद उर्फ अबू अहमद का फोन एक्टिव हुआ था, लेकिन उसका फोन हमेशा ऑन नहीं रहता। साथ ही ये इलाके बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं, ये कई दिनों तक उन इलाकों में उसे ढूंढते रहते हैं पर इनके हाथ कामयाबी नहीं लगती। और एक दिन जब ये उसे ढूंढ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि इनके ट्रैकिंग डिवाइस में अबू अहमद जिसका असली नाम इब्राहिम सैयद है उसके फोन के जो सिग्नल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी कि वो इनके आस पास ही है। और तभी इनकी साइड से एक गाड़ी गुजरती है, ये देखते हैं कि उसमें इब्राहिम सैयद है, ये उसका फोटो खींच लेते हैं। साथ ही अब इनके पास गाड़ी का नंबर भी है। माया ये सब इन्फॉर्मेशन पाकर बहुत खुश होती है क्योंकि कई सालों के बाद पहली बार उसे किसी चीज में कामयाबी मिली है। वहीं पाकिस्तान में अब माया के ऊपर अटैक भी होता है, उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती है पर गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह
वजह से माया की जान बच जाती है। वहीं पाकिस्तान में दिखाया जाता है जहां पर CIA के बहुत सारे लोकल एजेंट्स होते हैं, उनके खबरी होते हैं और वो उस गाड़ी का पीछा करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इब्राहिम सैयद उर्फ अबू अहमद कहां पर रहता है और अब CIA की एक मीटिंग होती है जहां पर CIA के डायरेक्टर को उस घर का मॉडल दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस घर की दीवारें 10 फीट ऊंची है, इस घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती है और ऊपर छत पर भी 7-7 फीट की दीवारें हैं। इस घर के अंदर झांकना बहुत मुश्किल है। साथ ही इस घर के पास पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी है, यानी कि ये घर, ये एरिया पूरी तरह से सुरक्षित है। CIA के डायरेक्टर ऑर्डर देते हैं कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस घर के अंदर कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं। और अब CIA उस घर पर पूरी तरह से नजर रखना शुरू कर देती है। वही माया इस घर पर अटैक करना चाहती है पर उसे परमिशन नहीं मिलती। वो हर रोज जाकर अपने सीनियर जिसका नाम जॉर्ज होता है उसके गिलास पर दिन का नंबर लिख देती है और धीरे धीरे नंबर 100 हो जाता है, यानी कि आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं लेकिन ना ही माया को और ना ही उसके सीनियर को उस घर पर अटैक करने की परमिशन मिली है। पर अब इन्हें उस घर के आंकड़े मिल चुके हैं। माया का सीनियर जॉर्ज अपने सीनियर्स को बताता है कि उस घर में 3 औरतें हैं और 2 आदमी है जो हमेशा दिखते हैं, लेकिन 1 आदमी और है जो कभी नहीं दिखता। वो कभी कभी हवा खाने छत पर जाता है जहाँ पर 7-7 फीट की दीवारें हैं और साथ ही पेड़ भी हैं जिनमें बहुत सारे पत्ते हैं, जिस वजह से सैटेलाइट पर हम उस आदमी को नहीं देख पाते। ये सैटेलाइट से बचने का एक प्रोफेशनल तरीका है। साथ ही इस घर में 7 बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो जॉर्ज के सीनियर्स होते हैं वो इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि उस घर में ओसामा बिन लादेन हो सकता है। वो कहते हैं कि शायद ये कोई ड्रग डीलर हो या इब्राहिम सैयद के 8 भाइयों में से कोई एक हो या अलकायदा का कोई दूसरा सदस्य हो, लेकिन ये ओसामा बिन लादेन हो ही नहीं सकता। कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से जॉर्ज अपने सीनियर से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि इस घर में इंटरनेट नहीं है, ना ही कोई टेलीफोन कनेक्शन है, ना इस घर से कोई फोन करता है और ना ही इस घर के अंदर कोई फोन आता है। और अगर वो कोई रिटायर आदमी है तो उसका स्विमिंग पूल कहाँ है, ना ही वो कुत्ता पालने का शौक रखता है। और क्यों वो अपने आदमियों को सिर्फ उन 2 शहरों से फोन करने के लिए कहता है जहाँ पर अलकायदा का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। जॉर्ज अपने सीनियर्स को ये भी बताता है कि हम उसके घर का कचरा भी टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो अपने घर का कचरा बाहर नहीं फेंकते बल्कि उसे कंपाउंड में जला देते हैं। हमने एक नकली वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि उस घर के लोगों का ब्लड सैंपल ले सके, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। पर अब भी प्रेसिडेंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसकी बातों से कन्विंस्ड नहीं होते। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट को पुख्ता सबूत चाहिए और मीटिंग खत्म कर देते हैं। जॉर्ज एक बार फिर से उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल जाएगा कि उस घर में ओसामा बिन लादेन था और इसके बाद आप कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि तुम प्लान बनाओ। और अब जॉर्ज और माया एरिया 51 जाते हैं जहां पर सील के बहुत सारे कमांडोज होते हैं। वो उन्हें एक एरोड्रोम में ले जाते हैं जहां पर ऐसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो रडार में नहीं आ सकते। वो पूछते लेकिन हमें अटैक कहां करना है। माया उन्हें बताती है कि हमें पाकिस्तान के अबोटाबाद में उस घर में अटैक करना है जहां पर ओसामा बिन लादेन हो सकता है। इनका पूरा प्लान बन जाता है और अब एक बार फिर से फाइनल मीटिंग होती है जिसमें ये तय किया जाएगा कि ये अटैक करेंगे कि नहीं। यहाँ पर जितने भी सीनियर्स होते हैं कोई भी कंफर्म नहीं होता कि वहां पर ओसामा बिन लादेन है। कोई कहता है कि 40% चांसेस है, कोई कहता है 60%, पर जब माया से पूछा जाता है तो वो कहती है कि 100% वहां पर ओसामा बिन लादेन है। और माया के इस कॉन्फिडेंस से इनके इस मिशन को परमिशन मिल जाती है। सील के ऑफिसर्स 2 हेलीकॉप्टर लेकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचते हैं, पर जैसे ये उस घर के पास पहुंचते 1 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, पर इनके सारे सिपाही पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इसके बाद ये कंपाउंड के दरवाजे को उड़ा देते हैं और मेन डोर तक पहुंच जाते हैं, पर तभी अंदर से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। सील के ऑफिसर भी अंदर की तरफ गोलियां चलाते हैं और अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। विस्फोटक से दरवाजा तोड़ने के बाद जब अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर इब्राहिम सैयद, जिसे शुरू में ये अबू अहमद अल कुवैदी के नाम से जानते थे, उसकी डेड बॉडी पड़ी, वो मर चुका है। घर में बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। इसके बाद सील के ऑफिसर ऊपर जाते हैं जहां पर एक बहुत ही मजबूत दरवाजा होता है जिसे विस्फोटक से भी नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए ऑफिसर्स पीछे के रास्ते से जाते हैं और वहां का दरवाजा विस्फोट करके अंदर 2nd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक और आदमी होता है जिसे ऑफिसर्स मार देते हैं। यहां 2nd फ्लोर पर बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारी फाइल्स होती है। ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी एक लैब है जहां से पूरी दुनिया में आतंक फैलाने की तैयारी की जाती है। अब आसपास
के गांव के जो लोग होते हैं वो भी इस तरफ आना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो इनका विरोध कर रहे होते हैं, पर सील के ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो हमें उन पर गोलियां चलानी पड़ेंगी, इसीलिए सब रुक जाते हैं। वहीं अब सील के बाकी ऑफिसर्स थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर अंधेरा होता है, कोई हलचल नहीं होती। और तभी सील का एक ऑफिसर दबी हुई आवाज में ओसामा कहता है, जैसे वो उसकी मदद करना चाहता है। उसे कमरे में कुछ हलचल दिखती है, सील का ऑफिसर गोली चला देता है और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं जमीन पर एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उस पर और भी गोलियां चलाते हैं और जब उसके चेहरे पर लाइट चमकाई जाती है तो ये और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन होता है। ये अपने हेडक्वार्टर बताते हैं कि हमारे हाथ जैकपॉट लग गया, यानी कि ओसामा बिन लादेन मारा गया है। इन्हें बताया जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है, जल्दी से यहाँ से सारे एविडेंस लेकर और साथ ही ओसामा बिन लादेन की बॉडी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और इनका जो दूसरा हेलीकॉप्टर होता है जो क्रैश हुआ होता है उसे ब्लास्ट कर देते हैं ताकि इनकी टेक्नोलॉजी किसी की भी हाथ ना लगे। इसके बाद ये अफगानिस्तान के जलालाबाद में आ जाते हैं जहां पर इनका कैंप होता है। वहां पर माया भी होती है। माया ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी देखती है और कंफर्म करती है कि यही ओसामा बिन लादेन है। अंत में दिखाया जाता है कि माया वापस अपने घर अमेरिका जा रही है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माया ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही केस हैंडल किया था जिस पर वो पिछले 12 सालों से काम कर रही थी और वो केस था ओसामा बिन लादेन का। तो ये थी सच्ची कहानी जीरो डार्क 30 मूवी की। ये मूवी ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। इस मूवी का बजट था $40 million और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $133 million की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।